नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कंप्यूटर हिंदी नोट्स डॉट कॉम से। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि कैसे हम अपने एक्सेल में डेटा वैलिडेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, डेटा वैलिडेशन में बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो व्यू टैब होता है या व्यू मेन्यू होता है, उसका हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और कौन कौन से जो फीचर्स हैं वो यहाँ पर एमएस वर्ड के समान हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम एमएस एक्सेल में आ चुके हैं और आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैंने एक टेबल को बना लिया है, जो कि मैंने बहुत लंबी टेबल बनाई है ताकि मैं आपको सारे फीचर्स के दिखा सकूं। तो दोस्तों, हम व्यू मेन्यू में जाते हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे हो पहला जो सेक्शन है वो देखने मिलता है वर्कबुक व्यूज का। तो यहाँ पे आप व्यू को चेंज कर सकते हो, जैसे कि अभी ये नॉर्मल व्यू में है। यदि मैं इसे पेज ब्रेक व्यू में क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर हमें अलग अलग जो पेजेस के हिसाब से यहाँ पर हमें जो व्यू है वो देखने मिलता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर पेज वन लिखा हुआ है और उसकी जो एंडिंग है वो इस कॉलम तक है। उसके बाद यहाँ पर पेज टू लिखा हुआ है और उसकी एंडिंग यहाँ तक है और यहाँ पर पेज थ्री। तो इसके हिसाब से आप देख सकते हो कि आपने जो डेटा लिखा है यदि आप उसे प्रिंट करोगे तो वो कितने पेजेस में प्रिंट होगा। और इसी के साथ साथ आप उन्हें थोड़ा कस्टमाइज कर सकते हो, यदि आप उसे एक पेज में लाना चाहते हो या फिर आप उन्हें अरेंज करना चाहते हो। इसके बाद है पेज लेआउट। तो पेज लेआउट यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ अलग अलग लेआउट बन जाते हैं पेजेस के। तो यहाँ पर वैसे ही सेम चीज़ आपको देखने मिलेगी, तो उसी तरीके का है, लेकिन यहाँ पर आपको अलग अलग पेजेस के हिसाब से देखने मिलता है। तो फिलहाल अभी हम नॉर्मल व्यू में आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ टर्न ऑफ और टर्न ऑन वाले यहाँ पर ऑप्शंस देखने मिलते हैं। तो यहाँ पर आप कुछ चीज़ों को ऑन ऑफ कर सकते हो, जैसे कि फार्मूला बार। तो यहाँ पर ये जो लाइन आपको देखने मिल रही है इसको हम फार्मूला बार कहते हैं, तो इसको आप ऑन या ऑफ कर सकते हो। हेडिंग्स यदि आप ऑन या ऑफ करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से कर पाओगे, और ग्रिड लाइंस यहाँ से ऑन या ऑफ आप यहाँ से कर सकते हो। तो कुछ चीज़ें हैं जिनको आप व्यू के टाइम पे कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो वो आप यहाँ से कर पाओगे। इसके बाद जूम का ऑप्शन आपको देखने मिलता है, यदि आप जूम करना चाहते हो तो यहाँ पर आप जूम पे क्लिक करोगे और यहाँ पर आप कोई भी परसेंट सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर 200% सेलेक्ट कर लिया है, अब ये 200% तक जूम हो गया है। अब यदि हमें 100% करना है तो हम इस 100% पे क्लिक कर देंगे और ये नॉर्मल व्यू में आ जाएगा। तो दोस्तों, जूम को यदि आप चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ नीचे से भी कर सकते हो। यदि आप यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करते हो तो जूम इन होता है और माइनस करते हो तो जूम आउट होता है। सेम इसी तरीके की चीज़ें हैं जैसे आपने यहाँ ऊपर से यूज़ करी थी। तो दोस्तों, इसके बाद कुछ ऑप्शंस आपको और देखने मिलते हैं, जैसे कि न्यू विंडो का। तो यहाँ पर मैंने आपको यह ऑप्शन एमएस वर्ड में ही बताया है। न्यू विंडो का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पर दो विंडो ओपन कर सकते हो और दोनों में आपकी यही सेम फाइल ओपन होगी। यदि एक विंडो में आप इस फाइल में कोई भी चेंजेस करते हो तो वो आपको दूसरी विंडो में भी देखने मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं प्रैक्टिकल करके एक बार बता देता हूँ। तो जैसे ही मैं न्यू विंडो पे क्लिक करूँगा, आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक और विंडो ओपन हो गई है। तो यहाँ पर अब हमारे पास दो विंडो है और दोनों में सेम ही डेटा लिखा हुआ है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो नेम, उसके बाद 2012, फिर उसके जो डेटा है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यदि मैं एक विंडो में यहाँ पर कोई चेंजेस करता हूँ तो आप देख पा रहे हो सेकंड विंडो में वो अपने आप चेंज हो रहा है। तो दोस्तों, इसका यूज़ आप तब कर सकते हो जैसे कि आप दो मॉनिटर यूज़ कर रहे हो और आप चाहते हो कि है ना जो टेबल है बहुत बड़ी है, हम ऊपर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं और नीचे चेंजेस करना चाहते हैं, तो एक साथ हम दोनों को देख नहीं सकते। तो आप दो अलग अलग मॉनिटर में इसको ऑन कर सकते हो या फिर एक ही मॉनिटर में इनको दो अलग अलग विंडो में ओपन करके यूज़ कर सकते हो। फिलहाल मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अरेंज ऑल का ऑप्शन यहाँ पर देखने मिलता है, यदि आपने ज़्यादा विंडो ओपन करी है तो ये उसे अरेंज कर सकता है। तो ये भी मैं आपको एमएस वर्ड में बता चुका हूँ। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है फ्रीज पैनल्स का। तो दोस्तों, ये ऑप्शन मैंने एमएस वर्ड में नहीं बताया है क्योंकि वहाँ पर नहीं था। तो ये ऑप्शन एमएस एक्सेल का ही ऑप्शन है। तो इसका यूज़ हमें कैसे करना है? तो दोस्तों, जैसे कि इसके नाम से समझ में आ रहा है, आप किसी चीज़ को फ्रीज कर सकते हो। अब यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं? यहाँ पर आपको रोज़ देखने मिल रही हैं और कॉलम्स देखने मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप रोज़ और कॉलम्स को फ्रीज कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ फ्रीज का मतलब क्या होता है। अब जैसे कि यहाँ पर फ्रीज पे क्लिक करोगे, यहाँ पर फ्रीज पैनल्स है, यानी कि जो भी पैनल आप सिलेक्ट करोगे, फ्रीज टॉप रो है और फ्रीज फर्स्ट कॉलम है। तो मैं आपको एक चीज़ फ्रीज करके बताता हूँ। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पर बहुत लंबा डेटा टाइप किया है। यदि मैं नीचे से स्क्रॉल करता हूँ तो आप देख पा रहे हो बहुत ज़्यादा डेटा टाइप किया है। अब मैं लास्ट
कॉलम पे आ चुका हूँ। तो अब हमें फर्स्ट कॉलम देखने नहीं मिल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि जो फर्स्ट कॉलम है उसमें हमने नेम लिखा है और यहाँ पर उनके डेटा हमने फिल किया है। अब हम लास्ट में आ गए हैं तो अब हमें पता नहीं है कि ये डेटा किस नेम के साथ अटैच है, यानी कि किस नेम के रो में है। यदि हम वो देखना चाहते हैं तो हम इस नेम के जो कॉलम है उसको फ्रीज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ फ्रीज पैनल में जाऊँगा और फ्रीज फर्स्ट कॉलम पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर आपको एक लाइन देखने मिल जाती है फ्रीज करने के बाद। अब यदि मैं इसे स्क्रॉल करता हूँ तो पूरी की पूरी टेबल स्क्रॉल हो जाएगी और आप देख पा रहे हो फर्स्ट जो पैनल है या फर्स्ट जो कॉलम है वो स्क्रॉल नहीं हो रहा है। तो इसके साथ मैं देख सकता हूँ कि इस रो में कौन सा जहाँ पर डेटा टाइप किया हुआ था या इस रो में कौन सा डेटा टाइप किया हुआ है। तो इसका इस्तेमाल आप तब कर सकते हो जैसे बहुत सारे नेम है स्टूडेंट्स के और यहाँ पर आपको मार्क्स देखने मिल जाते हैं तो आप एक साथ उनको देख पाओगे। इसी तरीके से आप फ्रीज फर्स्ट रो भी कर सकते हो, फ्रीज कोई भी पैनल कर सकते हो। अब यदि आपको इसे अनफ्रीज करना है तो आप फ्रीज पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको अनफ्रीज का ऑप्शन देखने मिलेगा और आप इसे अनफ्रीज कर दोगे। अब ये अनफ्रीज हो चुका है और आप इसे स्क्रॉल करोगे तो ये चीज वापस से रिपीट नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ और ऑप्शन देखने मिलते हैं जैसे स्प्लिट का ऑप्शन है, हाइट का ऑप्शन है। ये सारी चीजें मैं आपको एमएस वर्ड में बता चुका हूँ और इन दोनों का ऑप्शन तब यूज होता है जब आप विंडोज का यूज कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पर आपने एक नई विंडो ओपन करी है तो आप उसे स्प्लिट कर सकते हो, हाइड कर सकते हो, ये सारी चीजें आप यहाँ से यूज कर पाओगे। तो दोस्तों इसके बाद साइड बाय साइड व्यूज, यदि आपने दो एक्सेल शीट ओपन करी है तो आप उसे साइड बाय साइड व्यू कर सकते हो, उसे यहाँ पर सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग कर सकते हो और उसकी पोजिशन को रीसेट कर सकते हो। सेम चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, मैं उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे जरूर देखिएगा ताकि आप इस ऑप्शन को और अच्छे से समझ पाए। स्विच विंडो का ऑप्शन भी सेम इसी तरीके से काम करता है। लास्ट ऑप्शन है मैक्रो का। तो दोस्तों मैक्रो का ऑप्शन आपको हर एक सॉफ्टवेयर में देखने मिलेगा जो कि माइक्रोसॉफ्ट है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। इन सारी चीज़ों में आपको मैक्रो का ऑप्शन जरूर देखने मिलेगा। मैक्रो का ऑप्शन मैं आपको बता चुका हूँ कैसे यूज़ करना है। यदि आपको कोई टास्क बार बार परफॉर्म करना है तो आप उसे एक बार रिकॉर्ड कर सकते हो और फिर किसी शॉर्टकट की को असाइन करके उस टास्क को परफॉर्म कर सकते हो। जैसे मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर एक डेटा टाइप किया है, मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया। अब मैं जैसे होम में जाता हूं और यहां पर मुझे इसे बोल्ड करना है, इटैलिक करना है और अंडरलाइन करना है। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं ये हर एक कॉलम में कर सकूं या फिर मैं किसी स्पेशल कॉलम में करना चाहता हूं तो मुझे ये टास्क बार बार परफॉर्म करने पड़ जाएंगे। तो आप उसका एक मैक्रो बना सकते हो। कैसे बनाना है, जैसे कि मैंने एक खाली कॉलम में सिलेक्ट किया, अब मैं जाऊँगा मैक्रो में, व्यू में जाते हैं, हम मैक्रो पे जाएंगे। मैक्रो में अब मैं रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर आप मैक्रो का नेम दे सकते हो और यहाँ पर कोई शॉर्टकट की दे सकते हो। तो जैसे मैंने कंट्रोल क्यू यहाँ पर दे दी, अब मैं यहाँ ओके कर दूंगा और इसके बाद आप होम में जाओगे और सेम चीज़ वो परफॉर्म करोगे। जैसे मैंने वो तीनों चीज़ें यहाँ प्रेस कर दी हैं, अब वापस से मैं व्यू में जाऊँगा और मैक्रो को स्टॉप कर दूंगा। ठीक है, अब मैंने इसे स्टॉप कर दिया है। अब जो है हमने शॉर्टकट की दी थी, अब हमें उस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना है और जो भी हमने टास्क उस टाइम पे परफॉर्म किए थे वो एक ही बार में यहाँ पर परफॉर्म हो जाते हैं। जैसे कि मैंने कंट्रोल क्यू यहाँ पर प्रेस किया तो आप देख पा रहे हो सेम वही चीज़ें यहाँ अप्लाई हो गई। अब मैं यहाँ पर कंट्रोल क्यू प्रेस करूँगा तो वो चीज़ अप्लाई होती जाएगी। यदि आप फॉर्मेटिंग से रिलेटेड कोई चीज़ के लिए यहाँ पर मैक्रो बनाना चाहते हो तो आप बहुत ही आसानी से बना सकते हो और उसका यूज़ आप जितनी चाहो उतनी बार कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इसी शीट में उसका इस्तेमाल कर पाओगे, आप किसी भी शीट में उसका इस्तेमाल कर पाओगे। यदि मैं नई शीट बनाता हूँ तो वहाँ पर भी ये मैक्रो मौजूद रहेगा और आप उसका इस्तेमाल कर पाओगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं या फिर हम अपने वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि उसमें पासवर्ड कैसे लगाना है। तो दोस्तों मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।